25 सितंबर शनिवार एवं 26 सितंबर रविवार को होने वाले स्वास्थ्य विभाग के क गट एवं ड संवर्ग के 6205 पदों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय परीक्षा शुरू होने से पहले चंद घंटों पहले लिया गया, किंतु सरकार के इस निर्णय से छात्रों में जमकर नाराजगी दिखाई दी। कई छात्र बाहर गाँव से परीक्षा देने के लिए अमरावती में आए थे, देर रात वे अमरावती पहुंच गए थे। ऐसे में देर रात परीक्षा स्थगित होने की जानकारी उनको नहीं मिली थी। इस संदर्भ में जानकारी मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। कई छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो कई जिलाधिकारी कार्यालय पर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने ठिया आंदोलन करते हुए अचानक रद्द की गई परीक्षा को लेकर सरकार के प्रति अपनी नारेबाजी की। छात्रों में सरकार के प्रति प्रचंड रोष दिखाई दे रहा था। करीबन एक घंटे तक चले इस आंदोलन में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अचानक परीक्षा रद्द होने से आने जाने का किराया तथा होने वाली परेशानी को लेकर जिम्मेदार कौन, ये सवाल भी छात्र उठा रहे थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से ली जाने वाली लेखी परीक्षा की अगली तारीख तक स्थगित की गई है। इस समय परीक्षा का आयोजन करने वाली कंपनी द्वारा तैयारी के लिए समय की मांग करते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण शनिवार एवं रविवार को होने वाली ये परीक्षा अब आगे बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार 6205 रिक्त स्थानों को भरने की अनुमति मंत्रिमंडल ने दी थी। उसी परीक्षा का ठेका एक संस्था को दिया गया था। इस परीक्षा के लिए 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे, लेकिन कई लोगों को समय तक हॉल टिकट भी उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए और समय लगेगा, यह मांग उन्होंने रखी। फलस्वरूप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से चर्चा कर इस परीक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। छात्रों ने किसी भी प्रकार की अफवाह का शिकार न होते हुए केवल अधिकृत वेबसाइट पर विश्वास रखने की बात की गई है। विदर्भ न्यूज ब्यूरो अमरावती।